हमारा टायरोड टाइप सिलेंडर है, इसको इस पर अगर हमें रीड स्विच को माउंट करना है तो हमें बेसिकली किन की चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? दो स्क्रू ड्राइवर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, एक क्लैंप की रिक्वायरमेंट होगी और एक रीड स्विच की रिक्वायरमेंट। जो ग्रीन वाला स्क्रू ड्राइवर है वो फाइन स्क्रू ड्राइवर है जिसकी थिकनेस 1.6 mm है और ये किसी भी मेक का होगा, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद जो ब्लैक वाला स्क्रू ड्राइवर है ये प्लस स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारे इस क्लैंप को स्क्रू या अनस्क्रू करने में यूज में आएगा। उसके बाद हम इसे टायरोड पे माउंट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे और हम इसे स्क्रू करेंगे। उसके बाद हम वापस से रोटेट कर लेंगे और अब हम इसमें रीड स्विच को डालेंगे। और अब हम फाइन स्क्रू ड्राइवर लेंगे और रीड स्विच को स्क्रू कर देंगे। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच करके देखेंगे, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब हम इसे वापस से कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। हम इसे वापस से स्क्रू करने के लिए सेम स्क्रू ड्राइवर का हम यूज करेंगे। इसे स्क्रू करते हैं, हम रीड स्विच को बाहर निकाल लेंगे। अब वापस हम क्लैंप को खोलेंगे। अब हम ब्लैक वाले स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, इसे रोटेट करने के बाद हम इसे अनक्लैंप करते हैं। स्क्रू को पहले हम बाहर निकालेंगे, स्क्रू को हमने बाहर निकाल लिया, इसे वापस से रोटेट कर देंगे। इसको हम निकालने के बाद क्लैंप को अनक्लैंप करेंगे। थैंक यू।